गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम बस यहाँ से अब निकलने वाले, रेडी हो गए सब कुछ, हमने सामान पूरा पैक कर दिया, बस छोटे मोटे चीज़ें बाकी है और चीकू को उठाना, रेडी करना है। ये देखो कैसे पैर करके सो रहा है भैया। चलो चीकू, गुड मॉर्निंग भाई, उठ जाओ, बहुत गहरी नींद में सो रहा है भाई, उठाते हैं इसको। और अभी सुबह सुबह बहुत शांति है, यहाँ पे एक चिड़िया है जो बोल रही है। अब यहाँ से मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा कौन सी चिड़िया है, बहुत लेकिन बहुत सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, आपको भी शायद सुन रहा होगा। यहाँ पे वो चिड़िया बैठी हुई है, एक अलग ही तरीके का नेचर का म्यूजिक है ये। फाइनली गुड बाय टू वलपराई, ये वो मेन चौक है वलपराई का, और यहाँ से अब हमें बढ़ना है अथरापल्ली की तरफ, सीधा सीधा यही वाला रास्ता है जिसमें हमें लगने वाले 2 घंटे 40 मिनट। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। वेलकम टू द व्लॉग, होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। चिकू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी सो गया है, सो के उठा है तो कोई बोल नहीं रहा है। हमने बिल्कुल ही बादल आ रखे हैं नीचे, देखो ये वो बोटिंग एरिया है और बादल बिल्कुल नीचे नीचे आ रखे हैं। बिल्कुल नीचे पानी और पेड़ की वजह से बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं। टेक्निकली हम इधर पे भी है लेकिन इधर हल्का फुल्का तो दिख नहीं रहा उतना। तो अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग तो ऐसी मिस्ट देखने को मिलेगी, चाहे थोड़ा सा सर्दियों के टाइम पे या आफ्टर बारिश। शानदार नज़ारे भाई, बहुत शानदार। सुबह सुबह मिस्ट इतनी ज़्यादा आ गई है यहाँ पे, और वहाँ से सनराइज़ हो रहा है येलो येलो सा, और ये पूरा वाइट और ग्रीन और ब्लैक कलर का रास्ता, मतलब मुझे लग रहा है जो रास्ता हमें 3 घंटे में कवर करना चाहिए वो 4 घंटे में होगा। अब चाय पीने के लिए रुक गए, बाद में देखा कि यहाँ पे ना मीडियम शुगर, यहाँ पे जो है वो लकड़ी के ओवन में बनाते हैं चाय।
और कुछ खाने पीने का भी है, अभी कुछ नहीं लेंगे, मैंने बस एक बिस्किट लिया, सॉल्टी नहीं है लेकिन ये। तो चाय डन, लेट्स मूव। नहीं नहीं वेज। चल चलें, लेट्स गो। ये वाली चिड़िया एक अलग ही है, ब्लू कलर की बिल्कुल, उसका नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना धुंध हो गया सामने, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कुछ भी, इतना धुंध है। जो हम कल डैम देखने आए थे उसी रूट से ही हम जा रहे हैं इस समय, अथरापल्ली वाटरफॉल, अयालूर डैम था जो। तो अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आप, और अगर आपने डैम मिस कर दिया तो आप ये डैम देखते हुए भी जा सकते हैं। तो चिकू को हमने पीछे सुला दिया है, सीट बेल्ट के साथ सिक्योर कर दिया है, और फिर से उस डैम के पास आ गए, अयारूल डैम के पास, अयारूल डैम, अयारूल डैम, हाँ नाम अगर गलत ले रहा हूँ तो, बट अगेन बहुत सुंदर है। तो अथरापल्ली जाते वक्त, मलपराई से अथरापल्ली जाते वक्त बहुत सारे रिजॉर्ट, होम स्टे बहुत सारे मिलेंगे, तो अगर आपको थोड़ा बाहर आउटर में चाहिए तो इस एरिया में भी आप ले सकते हैं। ये भी वलपराई में ही आता है लेकिन ये थोड़ा सा वलपराई मेन मार्केट से दूर हो जाता है, यहाँ से केरला बॉर्डर लग जाएगा, हमें केरला बॉर्डर लगना है। और रोड की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है स्टार्टिंग से, केरला एंटर होते ही रोड के हालात ठीक नहीं है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बड़े क्यूट क्यूट से होम स्टेज हैं। देखो मेरे को लगता है यहाँ पे जो लोग आते होंगे वलपराई घूमने केरला से, वो यहीं रुक जाते होंगे, और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से होटल्स भी हैं। तो हम अथरापल्ली वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो ये मलक्कपुरा जो है वाटर, मलक्कपुरा चेक पॉइंट, चेक पोस्ट है ये गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, तो फिर उसमें हमें एंट्री करानी है, और यहाँ से 50 किलोमीटर पे एक और चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे ये रिसिप्ट देनी है, बस इतना ही, इसका कोई चार्जेस नहीं है, और कितने पैसेंजर्स हैं, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, नाम, ये सब लिखवाना है। किलोमीटर जो है अथरापल्ली वाटरफॉल पहुँचने के लिए वलपराई से बहुत अच्छे नहीं है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहीं कहीं बहुत बुरा हाल है, स्पेशली स्टार्टिंग में वलपराई से आ रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखें कि टाइम बहुत लगेगा ना, 50 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे तक का समय निकला है, ज़्यादा अच्छे हालात भी हैं आगे, ऑटो रोड के अभी बट रोड बन नहीं, मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में जब रोड बन जाएगी तब अच्छा होने लग जाएगा। के लिए रुके हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कोई वाटरफॉल है शायद पीछे की तरफ उधर, और बहुत सारे चिड़िया जानवरों की आवाज़ आ रही है, एकदम शांत। वाव अमेजिंग, सुंदर लग रहा है। अब नदी बड़ी होती जा रही है, तो यही आगे चल के अथरापल्ली फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। रास्ते वाटरफॉल मिला, चारपा वाटरफॉल मिला, तो वही देखने के लिए हम, ये स्टार्टिंग का वाटरफॉल, इसका बड़ा वाटरफॉल आना बाकी। Thank you.
चुके हैं अथरापल्ली वाटरफॉल्स और पहले हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। अभी मेरा खाना तो आ गया है, केरला वेज मील्स साथ में स्वीट एंड साइड लाइम सोडा, और आयशी का आ गया है ऑरेंज जूस। अब जी आयशी के लिए मैंने ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर किया है चपाती विद चुरमा, चपाती कॉम्बो। फटाफट से वेट करते हैं आने का, क्या खाके चलते। फॉल्स हमारे बिल्कुल पीछे ही है यहाँ पे कहीं पे, बट टिकट उस साइड से लेके फिर जाएंगे। तो यहाँ पे एंटरिंग द रिवर इज पनिशेबल, और यहाँ जाएंगे तो रिवर के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो फुल व्यू ऑफ वाटरफॉल आएगा। हमने लैंड ड्रॉप कर दिया है, वो नीचे तक जाना पड़ता है, वहाँ तक जाने का हमने सोचा ऊपर से देख लेते क्योंकि हमारा टाइम कम है। हाँ आगे जा पानी में जाने का अलाउ नहीं, हाँ नीचे से बस देखने को मिलता। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन हाइट उतनी नहीं जितना हमने चिकमंगलूर में देखा था, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। चिकू खा रहा है, चिकू क्या खा रहा है, मंकी चिकू का चिप्स, चिकू का चिप्स खा रहा है। नहीं मान रहा था, चिकू बोलता नहीं मैं हाथ में रखूंगा, खा गया चिप्स। चलो बढ़िया, चलो ऊपर तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, चलो आओ रो नहीं, दूसरा दिला देता। चलो गुड जॉब चिकू, गुड जॉब, तो दूसरा ले लेंगे आपके लिए। तो हम लोग आ गए अथरापल्ली वाटरफॉल से, बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये पीछे रखिए बाबा, अब पसीना देख के लग ही रहा होगा कितनी मेहनत हो गई। इवन आयशी भी देखो पसीने भीग के पूरा। हाँ हाँ आज पर्स मिलेगा। अभी एक बज रहा है और यहाँ से सिर्फ 209 किलोमीटर्स रह गया है माहे बीच या माहे होटल, जहाँ पे हम मैंने होटल रूम होटल बुक किया। अभी हम केरला के बीच बीच से जा रहे हैं, तो सड़कें थोड़ी पतली पतली छोटी छोटी हैं, और लेकिन हाँ यहाँ पे देखने लायक सीनिक बहुत है। ड्राइव जो है वो सीनिक बहुत है, अच्छे अच्छे चर्च आ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर आ रहे हैं। अभी हम नेशनल हाईवे 544 से मर्ज होने वाला है, जो कि त्रिशूर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो हाँ यहाँ से अगर हम लेफ्ट आएंगे तो अरनाकुलम आ जाएगा। बेग पैलेस करके नाम है जगह का ऑन द वे, यहाँ चाय पियेंगे और कुछ थोड़ा मोड़ा खाएंगे, उसके फिर वापस से रोड पे। कटलेट चाय बच्ची को खा रहा है घी राइस, पूरा तो नहीं खाएगा, थोड़ा मेरे को खाना है, बच्ची को खाना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा खा लेगा घी राइस तो उसका पेट भर जाएगा। तो ये वो लोकेशन है जहाँ से हमें नेशनल हाईवे 66 पकड़ना है। बच्ची को जय श्री राम दिख रहा है। डेट अभी बज रहे 4:30 और अभी हम तिरूर शहर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से कोझिकोड रह गया 52 किलोमीटर्स, और कोझिकोड क्रॉस करके फिर हम माहे पहुँचेंगे, और सिर्फ 100 किलोमीटर ही रह गया, उसके लिए भी गूगल 3.5 घंटा दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि जो ये रूट है बहुत बिजी रूट है शहर शहर के बीच बीच से। फाइनली एक ब्रेक लिया हमने भाई, केरला में चलाना नॉट एन ईजी टास्क। अभी सारे रोड्स बन रहे हैं, सारे हाईवे रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, सब पे फ्लाई ओवर बन रहे हैं, और अभी हम पहुँचे चलारी। यहाँ से भी अभी ऑलमोस्ट 75 to 80 किलोमीटर्स रह गया है, अभी क्यों बारिश होने लगी भाई, बहुत मुश्किल है। और अभी हम हैं जे आर एस रेस्टोरेंट करके, क्योंकि कल हमने डोसा ऑर्डर कर दिया वो। ये देखिए यहाँ पे बाहर फिश रखा हुआ है, अगर किसी को खाना है तो ताज़ा ताज़ा फिश यहीं से मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में बन जाएगा। स्लो स्लो चढ़ो, चीकू को स्लाइड मिल जाएगा।
चलो झूल लो थोड़ा सा, तो बस बेचारा गाड़ी में बैठा है, आज तो मेहनत होगी हमारी काफ़ी। आ जाओ आ जाओ रेड में, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, 1 2 3 आ जाओ आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, आ जाओ। ए वो फिसल ही नहीं रहा, नहीं फिसल रहा है, नहीं ये चलता वो है फ्रिक्शन वाला है, ये फिसल ही नहीं रहा, ये भी सेम। चलो कोई बात, चलो दूसरे पे चलो। और अभी सनसेट हो रहा है और अभी भी हमें पहुंचने में 2 घंटा है, 3 घंटा दिखा रहा है गूगल। ये एक तो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ना इतना भारी पड़ गया मैं। हम लोग 46 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, 15 मिनट कट रहा है, 15 मिनट का। और आज तो भाई केरला में झुला दिया, बुरा झुला दिया, इतना ट्रैफिक, इतने डाइवर्जन, बहुत ज़्यादा बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10, अब जाके हम पहुँचे हैं। और ये वो होटल तीर्था इंटरनेशनल माही। चलिए फटाफट सामान निकालता हूँ, मैं मैंडेटरी वाला निकाल लेता हूँ, बाकी सुबह निकालूंगा। चलते ऊपर, अब सोते, बहुत थक गया आज मैं, बहुत गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई, जो रुला दिया आज तो केरला के ट्रैफिक ने, स्पेशली जो NH66 पे काम चल रहा है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू इन अनदर व्लॉग। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आज बहुत मेहनत लगी, तुम घुटना भी दर्द हो गया गाड़ी चला चला के। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।